हम लोग क्लास टेंथ का चैप्टर वन का ये अंतिम पार्ट देख रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन कि ब्रिटेन कैसे यूनिफिकेशन हुआ, कैसे फॉर्मेशन हुआ, और ये मैंने शांतिपूर्ण तरीके से हुआ इसका यूनिफिकेशन। इसी को समझना है कि आखिर है क्या अचानक कैसे ग्रेट ब्रिटेन बन गया। तो द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन द मॉडल ऑफ द नेशन और नेशन स्टेट सम स्कॉलर्स हैव आर्ग्यूड इज ग्रेट ब्रिटेन। कि किसी को कहा जाता है कि अगर मॉडल में अगर कोई राष्ट्र देश बना है तो विद्वान लोग ग्रेट ब्रिटेन को देते हैं, जो शांतिपूर्ण को देखा जिसको ग्लोरियस भी कहा जाता है। इन ब्रिटेन द फॉर्मेशन ऑफ नेशन स्टेट वॉज नॉट अ रिजल्ट ऑफ सडन अपहीवल। कि अचानक कोई विद्रोह नहीं हुआ या क्रांति नहीं हुई, इट वॉज अ रिजल्ट ऑफ लॉन्ग ड्रोन आउट प्रोसेस। एक लंबा पद्धति से धीरे धीरे अपने ब्रिटेन एक राष्ट्र बन गया, एक यूनाइटेड किंगडम बन गया, ग्रेट ब्रिटेन बन गया। देयर वॉज नो ब्रिटिश नेशन प्रायर टू द 18th सेंचुरी। अगर हम 18th सेंचुरी से पहले जाएं तो कोई ब्रिटिश राष्ट्र नहीं था, यूनाइटेड किंगडम नहीं था। द प्राइमरी आइडेंटिटी ऑफ द पीपुल हु इनहेबिटेड द ब्रिटिश आइज। अब यहाँ पर देखें तो ब्रिटिश आइज क्या चीज़ है। अब इसको समझना होगा कि यहाँ पर जो था ये था आयरलैंड। आयरलैंड जो दो भाग बट गया, ये नॉर्दर्न आयरलैंड और ये तीसरा था साउदर्न आयरलैंड। उसके बाद देखें यहाँ पर स्कॉटलैंड, क्योंकि ये सब आयरलैंड था, फिर ब्रिटेन, फिर जाके वेल्स। ब्रिटेन मतलब कि इंग्लिश, इंग्लैंड और वेल्स। तो शुरुआत में जो था ब्रिटिश आइल्स था, मैंने स्कॉटलैंड को, ब्रिटेन या इंग्लैंड को, वेल्स को, आयरलैंड नॉर्दर्न आयरलैंड को और साउदर्न आयरलैंड को, ये सबको मिलाकर हम लोग ब्रिटिश आइल्स कहते थे, ISLES आइल्स। वर एथनिक वंस मैंने कि एक अपने जाति अलग अलग धर्म के बोलने वाले थे, सच एज इंग्लिश जिसको हम लोग बताया कि जो ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉट और आयरिश, स्कॉटलैंड स्कॉट शॉर्ट में कहा। ऑल ऑफ दीज एथनिक ग्रुप्स हैड देयर ओन कल्चर, उनका अपना संस्कृति था, पोलिटिकल ट्रेडिशन, अपना नेता था उनका। बट एज द ब्रिटिश इंग्लिश नेशन स्टेटली ग्रू इन वेल्थ, जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो इंग्लिश जो था मैंने जो इंग्लैंड था वो अमीर होते चला गया, इम्पोर्टेंस एंड पावर, चाहे वो महत्वपूर्ण हो गया शक्ति के रूप में। इट वॉज एबल टू एक्सटेंड इज इन्फ्लुएंस ओवर द आउटर नेशन ऑफ द आइलैंड। कि जो उनका जो देश था इंग्लैंड था उसके बाहर भी वो प्रभाव छोड़ने लगा। अब एक इम्पॉर्टेंट है कि 1688 में इंग्लिश पार्लियामेंट, जो अंग्रेज का जो संसद था, विच हैड सीज पावर द मोनार्की, मोनार्की का पावर खत्म कर दिया एट द एंड ऑफ द प्रोटेक्टेड कॉन्क्लेव, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से विद्रोह हुआ, सत्ता का हस्तांतरण हुआ, वाज द इंस्ट्रूमेंट थ्रू विच नेशन स्टैंड विथ इंग्लैंड एज इट सेंटर। और इस तरह से ये जो इंग्लिश आयज था उसका केंद्र बन गया इंग्लैंड, कम टू फोर्स। द एक्ट ऑफ द यूनियन, यहाँ पर देखना होगा द एक्ट ऑफ द यूनियन, जो यूनियन एक्ट बना इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच में और वेल्स को मिलाकर, वो 1707 हुआ, उसको यूनाइटेड किंगडम और ग्रेट ब्रिटेन कहा जाने लगा। इन इफेक्ट डैट इंग्लैंड वॉज एबल टू इम्पोज द इन्फ्लुएंस ऑफ द ऑन स्कॉटलैंड। अब स्कॉटलैंड का जो अपना भाषा था उसको हटाने लगे इंग्लैंड लोग। ब्रिटिश पार्लियामेंट वॉज हेंस फोर्थ डोमिनेटेड बाय द इंग्लिश मेंबर। अब अगर स्कॉटलैंड, वेल्स सब सारा शामिल हो गया, लेकिन जो ब्रिटिश संसद था पार्लियामेंट में था उसमें जीत के जाने वाले लोग ज़्यादातर लोग इंग्लिश मेंबर थे। सो द ग्रोथ ऑफ ब्रिटिश आइडेंटिटी मेड द स्कॉटलैंड ये डिस्टिंक्ट कल्चर एंड पोलिटिकल सिस्टमेटिकली सप्रस्ट। कि जो जब इंग्लिश पार्लियामेंट ज़्यादा थे, पार्लियामेंट निश्चित था, उनका प्रभाव देने लगा और स्कॉटलैंड की जो आइडेंटिटी थी वो खत्म होने लगा। कैथोलिक क्लेन्स डैट इनवेटेड द स्कॉटलैंड, क्योंकि दो तरह का था, प्रोटेस्टेंट चर्च था, कैथोलिक था। तो कैथोलिक जो था स्कॉटलैंड में रहता था, ये जो ऊंचाई में थे स्कॉटलैंड के पहाड़ के रूप में थे, वो कुछ विद्रोह किए शुरुआत में, लेकिन उनको दबा दिया गया। द स्कॉटिश हाईलैंडर्स वेयर फॉरबिडन टू स्पीक देयर गेलिक लैंग्वेज और वी आर द नेशन ड्रेस, सबको खत्म कर दिया गया, फोर्सली ड्राइवन आउट ऑफ देयर होमलैंड। आयरलैंड सफर ए सिमिलर फेट। अगर हम आयरलैंड की बात करें तो वहाँ भी वही हुआ। इट वॉज कंट्री डीपली डिवाइडेड विद द कैथोलिक और ये प्रोटेस्टेंट। आयरलैंड में दो लोग मानने वाले थे, प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक। तो जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो लोग प्रोटेस्टेंट थे, इसलिए अभी भी जो साउदर्न आयरलैंड है वो सेपरेट कंट्री है। साउदर्न आयरलैंड ये अभी कहलाता है रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड कहलाता है, और जो नॉर्दर्न आयरलैंड है वो ग्रेट ब्रिटेन का पार्ट है। आफ्टर अ फेल्ड अ नो रिवोल्ट बिटवीन द वॉल्फ टोन एंड हिज यूनाइटेड आयरलैंड इन
1798 आयरलैंड वॉज फोर्सली इनकॉर्पोरेटेड द यूनाइटेड किंगडम इन 1801 के जो नॉर्दर्न आयरलैंड का पार्ट है वो 1801 में इंग्लैंड के पास चले गया। ब्रिटिश न्यू ब्रिटिश नेशन वॉज फोर्स थ्रू द प्रोपेगेशन ऑफ द डोमिनेट इंग्लिश कल्चर। अब इंग्लिश कल्चर का महत्व बढ़ गया और वही उनका सब कुछ हो गया। अब जो पूरा इंग्लैंड ये जो यूनाइटेड किंगडम था उनकी जो चिन्ह थी वो था ब्रिटिश फ्लैग, यूनियन जैक, नेशनल एंथम, गॉड सेव आवर नोबल किंग और इंग्लिश लैंग्वेज एक्चुअली प्रोमोटेड द ओल्डर नेशन सर्वाइव्ड एज द पार्ट ऑफ द यूनियन। इस तरह से यूनिफिकेशन हुआ इंग्लैंड का। अब हम लोग देखते हैं विजुअलाइजिंग द नेशन कि राष्ट्र को पहचान कैसे मिलेगा, राष्ट्र की ज्ञान कैसे मिलेगा कि ये राष्ट्र है, देश है। पहले लोग देश को मानते थे लेकिन अब उनका एक फिगर देने दिया जाने लगा, एक चित्रांत दिया जाने लगा, एक मैंने कि फोटो पोर्ट्रेट दिया जाने लगा, मैंने एक पहचान देने लगा। तो वाइल इट इज़ ईजी एनफ टू रिप्रेजेंट रूलर थ्रू ए पोर्ट्रेट और ए स्टैचू कि एक शासक को जो राजा है उसको एक चित्र के द्वारा मूर्ति के द्वारा दिखाना आसान है, बट हाउ डज वन गो अबाउट गिविंग अ फेस टू ए नेशन कैसे एक राष्ट्र का चेहरा दिखाया जाए। आर्टिस्ट इन द 18th एंड 19th सेंचुरी फाउंड ए वे आउट बाय पर्सनिफाइंग अ नेशन। 18th एंड 19th सेंचुरी में एक राष्ट्र का एक चेहरा दिया गया। इन अदर वर्ड दे रिप्रेजेंट एज अ कंट्री एज इट इफ इट वर अ पर्सन कि उसको एक व्यक्ति के बारे में दिखाया जाने लगा। नेशंस वर देन पोर्ट्रेट एज फीमेल फिगर और इसकी शुरुआत हुई कि औरत का चेहरा दिया गया। द फीमेल फॉर्म जो औरत का जो मैंने जो तरीका था चित्र था डेट वॉज चूजन टू पर्सनिफाई द नेशन डिड नॉट स्टैंड फॉर एनी पर्टिकुलर वीमेन इन रियल लाइफ कि अगर सही जिंदगी में देखें तो कौन औरत है, किस औरत का फोटो दिया गया, ये उस नाम का औरत का कोई अस्तित्व में था नहीं। रादर इट्स हाउ टू गिव द एब्स्ट्रैक्ट आइडिया ऑफ द नेशन अ कंस्ट्रक्ट फॉर्म कि इसका एक चेहरा दिया जैसे भारत को भारत माता दिया जा गया। डेट इज़ द फीमेल फिगर बिकम एलेगोरी ऑफ द नेशन कि देश की पहचान एक मने की फिगर से हो गया, जैसे इंडिया को हम लोग भारत माता की माँ है उनको बचाना है, तो ये एक उसी तरीका से उस समय एक पहचान हुआ, एलेगोरी हुआ। यू विल रिकॉल डेट द ड्यूरिंग द फ्रेंच रिवोल्यूशन आर्टिस्ट यूज द फीमेल एलेगोरी टू पोर्ट्रे आइडिया एज ए लिबर्टी जस्टिस एंड रिपब्लिक कि फ्रेंच रिवोल्यूशन में आपने देखा कि एक औरत जो था तो वो स्वतंत्रता की पहचान थी, चाहे न्याय की देवी थी या फिर जो प्रजातांत्रिक या लोकतांत्रिक देश था। तो दीज आइडियाज वर रिप्रेजेंट थ्रू स्पेसिफाइड ऑब्जेक्ट और सिंबल और उसको पहचाने जाने लगा किसी चिन्ह से। एज यू वुड रिमेंबर द एट्रीब्यूट ऑफ द लिबर्टी आर द रेड कैप अगर फ्रेंच रिवोल्यूशन देखो तो लाल टोपी जो था स्वतंत्रता का प्रतीक था, ब्रोकन चैन वेल जस्टिस जनरली ब्लाइंड फोल्डेड वीमेन और न्याय का एक औरत का चेहरा बंधा हुआ और एक हाथ में तराजू लिया हुआ दिखाया जाता था। सिमिलर फीमेल एलेगोरी वेयर इन्वेंटेड बाई आर्टिस्ट इन द 19th सेंचुरी टू प्रेजेंट द नेशन और उसी तरह का फिगर 19th सेंचुरी बनाया गया। इन फ्रांस सी वॉज क्रिश्चन ये मेराइन अ पॉपुलर क्रिश्चन नेम और जिसे मेरिन जिसका जो था मेरिन नाम दिया गया फ्रांस में जो कि क्रिश्चन नाम था। विच अंडरलाइन द आइडिया ऑफ द पॉपुलर पीपुल नेशन वो देश का राष्ट्र। हर कैरेक्टरिस्टिक्स वेयर ड्रोन फ्रॉम दोज ऑफ लिबर्टी एंड रिपब्लिक स्वतंत्रता का दिखाया गया और लोकतांत्रिक का दिखाया गया। द रेड का रेड कैप ट्राइकलर कॉकेट स्टैच्यू ऑफ मेरिन वेयर क्रिएटेड इरेक्टेड इन पब्लिक स्क्वायर चौराहा में सबको दिखाने लगा रिमाइंड द पब्लिक ऑफ द नेशन सिंबल टू यूनिटी कि लोगों को एकजुट किया जाए। और इसको बाद में मेराइन का इमेज जो था मार्क सिक्का में भी आया, फिर जाके टिकट में भी आया। सिमिलरली जर्मानिया जो कि जर्मन का एलेगरी था बिकम द एलेगरी ऑफ द जर्मन नेशन इन विजुअल रिप्रेजेंट जर्मानिया बियर्स अ क्राउन ऑफ ओक ट्री जैतून का लीफ ऊपर में पहना हुआ जिसको हेरिजम को दिखाया था। तो एलेगरी क्या चीज़ है जो कि एक चित्र है उसको दिखाया गया है। उसके बाद जाके अंतिम जो यहाँ पर है सब चीज़ का फिगर्स दिखाया गया उसको जानना है जो कि हम लोग ऑलरेडी क्लास 9th में चर्चा कर चुके हैं। ये जर्मानिया का एक गिरा हुआ रूप है मतलब कि किस तरह से फॉलन हो गया है जर्मनिया जर्मनी का जो था। फिर यहाँ पर ब्रोकन जो यहाँ पर है जर्मनिया गार्डिंग द राइन राइन का रक्षा कर रहा है। अब है कि नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म अब किस तरह से राष्ट्रवाद और जो कि जो उदार जो दूसरे में कब्जा करते हैं इंपीरियलिज्म करते हैं कंट्री वो था। तो बाय द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 19th सेंचुरी अगर 19th सेंचुरी का अंतिम क्वार्टर देखें मैंने 1875 से नेशनलिज्म नो लॉन्गर रिटेन एज आइडियलिस्टिक लिबरल डेमोक्रेटिक सेंटीमेंट ऑफ द फर्स्ट ऑफ द सेंचुरी जिस तरह से उदारवादी का चेहरा था पहला सदी में 1800 में चाहे 1850 तक वो धीरे धीरे चेंज हो गया। ड्यूरिंग दिस पीरियड नेशनलिस्ट ग्रुप्स बिकम इंक्रीजिंग इंटॉलरेंट टू ईच अदर सब पर विश्वास कर एवर रेडी टू गो टू वार युद्ध के लिए भी सब मिलकर जाने लगे। तो मेजर यूरोपियन पावर इन टर्न
manipulated the nationalist aspiration of the subject people in Europe to further their own interest in. अब वो लोग यहाँ पर जो था वो लोग दूसरे देश पर कब्जा करने का ये सब जो था वो करने का, और इसकी शुरुआत हुई बालकान से। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको समझना होगा कि बालकान कैसे टूट के, बालकान जो था ऑटोमन एम्पायर जो था, जो कि ऑटोमन एम्पायर जो था वो अपने कब्जा में लिया गया था, जैसे लार्ज पार्ट ऑफ द बालकान अंडर द कंट्रोल ऑफ द ऑटोमन एम्पायर। तो वहाँ से कौन कौन लोग थे जो बालकान में आते थे, जो स्वतंत्र देश बने आज, जैसे रोम, रोमानिया, बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसेडोनिया, क्रोएशिया, बोस्निया हर्जेगोविना, स्लोवेनिया, सर्बिया, मोंटेनेग्रो। ये सब जो था ये लोग में एक विचार फैला कि हम लोग का पास्ट क्या था, हम लोग स्वतंत्र देश थे, और वो लोग ने श्री से वो लोग अपने जो गाना थे, रोमांटिज्म थे, जो मैंने पहचान थी, उसको उन्होंने उठाया, और इस तरह से ऑटोमन जो एम्पायर के खिलाफ एक विस्फोटक बना। ऑल थ्रू द 19th सेंचुरी ऑटोमन एम्पायर हैड सॉट द स्ट्रेंथ इटसेल्फ थ्रू द मॉडर्नाइजेशन। ऑटोनोमस जो ऑटोमन एम्पायर था, सुधार करने का कोशिश किया, आधुनिकीकरण का इंटरनल लेवल, बट वेरी लिटिल सक्सेस, लेकिन सफलता मिली। वन बाई वन इट्स यूरोपियन सब्जेक्ट जो प्रजा थे यूरोपियन नेशनलाइज दो कवे फ्रॉम द कंट्रोल एंड डिक्लेयर इंडिपेंडेंस। जो ऊपर सभी कंट्री का नाम बताया वो स्वतंत्र होने लगे। बालकान पीपुल्स बेस्ड देयर क्लेम्स ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ पोलिटिकल राइट ऑन द नेशनलिटी, राष्ट्रीयता का पहचान, या फिर हिस्ट्री टू प्रूव डेट दे हैड वंस बीन इंडिपेंडेंट, कि इतिहास में कभी स्वतंत्र देश थे। तो इस तरह हेंस द रिवेलियस नेशनलिस्ट इन द बालकान थॉट देयर स्ट्रगल अटेम्प्ट विन टू बैक देयर लॉन्ग लास्ट इंडिपेंडेंस। सो एज द डिफरेंट स्लोविक नेशनलिस्ट स्ट्रगल टू डिफाइन देयर आइडेंटिटी एंड इंडिपेंडेंस, तो इस तरह से वो लोग पहचान जाने लगे। और यहाँ पर जो आप देखेंगे कि बालकान स्टेट वेयर फियरिस जीरियस टू इच अदर, लेकिन जब स्वतंत्र हुए तो एक दूसरे से वो लोग चिढ़ने लगे, एंड ईच होप टू गेन मोर ट्रेटिन एक्सपेंस टू द अदर, कि दूसरे का क्षेत्र कब्जा करने लगे। सो बालकान ऑल्सो बिकम द सीन ऑफ द बिग पावर ऑफ राइवलरी, माने कि एक जो प्रतिद्वंदता का चेहरा होने लगे। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड देयर वॉज इंटेंस राइवलरी ऑफ द यूरोपियन पावर ओवर ट्रेड एंड कॉलोनीज एज वेल एज द नेवल मिलिट्री नेट, कि यूरोप में भी एक देश दूसरा देश को अपने नीचा दिखाना चाहते थे, चाहे वो डच हो या फिर इस तरह से। तो ईच पावर रसा जर्मनी इंग्लैंड ऑस्ट्रिया हंगरिया वॉज कीन टू काउंटिंग द होल्ड ऑफ अदर पास ओवर द बालकान, बालकान में अपना प्रभाव छोड़ने लगे कि वो उसको कब्जा करें, और इसी का नतीजा था कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो गया। सो दिस लीड टू अ सीरीज ऑफ वार रीजन एंड फाइनली द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। इस तरह से ये चैप्टर फिनिश होती है। थैंक यू।